हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, अभी कुछ दिन पहले बार्क का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था, शायद 28 जुलाई को आया था। तो बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा था, देखिए क्या होता है, किसी को नोटिफिकेशन समझ में नहीं आता है, किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं उनका हेल्प हो जाएगा, उनके लिए बेटर रहेगा। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, पे स्केल वगैरह बहुत अच्छा होता है, प्रमोशन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन एलिजिबल है और क्या इसका क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि दो कैटेगरी में इसमें वैकेंसीज आई हैं, कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू। कैटेगरी वन में डिप्लोमा और बीएससी होल्डर्स एलिजिबल हैं, डिप्लोमा एंड बीएससी, ये है कैटेगरी वन। यहाँ पर आपका जो एलिजिबल है वो है डिप्लोमा होल्डर्स और जिनके पास बीएससी की डिग्री है, बीएससी होल्डर्स। अब देख लीजिए, पहला डिसिप्लिन है कैटेगरी वन में मैकेनिकल, टोटल वैकेंसी 17, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर मांगा गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसीज हैं 6। मेटलर्जी, टोटल वैकेंसीज 5, डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद है सिविल, यहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी है, सिविल में एक वैकेंसी है और ऊपर दिया है केमिकल, केमिकल में टोटल 15 वैकेंसी है और सिविल में सिर्फ एक वैकेंसी है। केमिकल में मांगा गया है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल में मांगा गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस, टोटल 5 वैकेंसीज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ये आपसे मांगा गया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पर मांगा गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और टोटल वैकेंसीज है 5। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा हैश बना हुआ है, इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब कि ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अगर आपके पास इसमें डिप्लोमा है, 60% मार्क्स हैं एग्रीगेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो ये वाला पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद है हमारा डिसिप्लिन है केमिस्ट्री, टोटल वैकेंसीज हैं 14, यहाँ पर मांगा गया है मिनिमम 60% मार्क्स इन बीएससी केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल एंड फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स बायोलॉजी एज सब्सिडरी सब्जेक्ट। मतलब केमिस्ट्री आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, तीनों साल में आपने पढ़ा होना चाहिए, लास्ट ईयर में ज़रूर होना चाहिए थर्ड ईयर में, और बाकी फिजिक्स मैथ्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या बायोलॉजी अगर आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है, आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ा है और लास्ट ईयर आपका केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट था, प्रिंसिपल सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बीएससी मांगा गया है यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्या है, फिजिक्स डिसिप्लिन है, यहाँ पर टोटल 18 वैकेंसीज हैं, मिनिमम 60% मार्क्स इन बीएससी, मिनिमम 60% मार्क्स इन बीएससी फिजिक्स एज प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री मैथ्स स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडरी सब्जेक्ट। मतलब आपका फिजिक्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अलावा अगर आपने ये सब पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री मैथ्स स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, तो आप एलिजिबल हैं, बीएससी डिग्री मांगी गई है। ये रही बात हमारी कैटेगरी वन की। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है पोस्ट नंबर 1.6 इज आइडेंटिफाइड फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी। ओके, सो ये कंप्यूटर साइंस जो है ये सिर्फ PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके बाद देखिए लिखा गया है, स्टार लगा यहाँ लिखा है 3 ईयर्स आफ्टर SSC और 2 ईयर्स आफ्टर HSC/BSc विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा में आपका 60% मार्क्स एग्रीगेट मांगा गया है। SSC के बाद अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया या HSC के बाद आपने 2 साल HSC यानी कि 12th, SSC यानी कि 10th प्लस 3 ईयर्स डिप्लोमा या फिर 12 प्लस 2 ईयर्स डिप्लोमा, ये दोनों लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद आता है हमारा कैटेगरी टू, कैटेगरी टू में देखिए पहला पोस्ट है ट्रेड है प्लांट ऑपरेटर,
टोटल वैकेंसीज हैं 39। यहाँ पर आपसे मांगा गया है HSC इन साइंस स्ट्रीम यानी कि PCM, ट्वेल्थ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, एग्रीगेट मार्क्स 60% होना चाहिए। ट्वेल्थ में कितना मांगा गया है, 60% मार्क्स मांगा गया है और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, टोटल वैकेंसीज हैं 39। अब यहाँ पर सबसे जो जनरल कैटेगरी के लिए समझने वाली बात है वो ये है कि जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है सिर्फ वन, ओनली वन वैकेंसी। इसके बाद नेक्स्ट है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में लिखा गया है आगे लगा है 2 स्टार और यहाँ पर लिखा है HSC इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट, यानी कि ट्वेल्थ में आपका PCMB ये होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी 60% मार्क्स और यहाँ पर 2 स्टार लगे हैं। 2 स्टार का मतलब नीचे लिखा गया है पोस्ट नंबर 2.2 इज़ आइडेंटिफाइड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, 4% रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल। इसका मतलब ये भी PWD कैंडिडेट्स के लिए है। नेक्स्ट आपका AC मशीन, ये आप AC मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल। अब यहाँ पर क्या है देखिए, फॉर पोस्ट 2.3 से 2.9 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी पोस्ट में आपसे क्या मांगा, SSC विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट यानी कि 10वीं में 10th में आपका 60% मार्क्स मांगा है, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन AC मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें इसके अलावा भी आपसे मांगी गई हैं। ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, वेल्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वेल्डर का होना चाहिए और फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर के लिए होना चाहिए, AC मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो AC मैकेनिक के लिए होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर रिगार्ड्स ट्रेड सर्टिफिकेट। अब ट्रेड सर्टिफिकेट क्या है, NTC ITI पास आउट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, या तो ये होना चाहिए, NAC ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, या तो ये होना चाहिए। इसके बाद है NTC ITI पास आउट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ कोर्स, यानी कि 1 साल का आपका ITI होना चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर NTC ITI पास आउट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस NAC ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। कैंडिडेट विद 60% मार्क्स इन BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एज सब्जेक्ट्स विद इक्वल वेटेज विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड, However, they should clearly indicate their choice chemistry or physics in their application form. इसके बाद ये सेकेंड पॉइंट लिखा है, मैथमेटिक्स एट HSC 10+2 लेवल इज essential फॉर द पोस्ट 1.8 केमिस्ट्री एंड 1.9 फिजिक्स। इसका मतलब है ये जो पीछे आपका पोस्ट था 1.8, 1.9 केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो 12th में आपका मैथ्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देखिए क्या, कैटेगरी वन के लिए मिनिमम एज 19 इयर्स है और मैक्सिमम एज है 24 इयर्स और यहाँ पर डेट दिया गया है क्रूशियल डेट एज एज ऑन 20 अगस्त 2018 तक आपका 19 साल से 24 साल होना चाहिए कैटेगरी वन के लिए, 24 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 19 साल से कम नहीं होना चाहिए। कैटेगरी टू के लिए 18 से 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। ये है कैटेगरी वन के लिए, ये है कैटेगरी टू के लिए। अपर एज लिमिट, ये एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पर, मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर्स, मिनिमम वेट है 45.5 kg। इसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा, वहाँ पर ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो आपका 2 ईयर्स। ट्रेनिंग जो आपकी होगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में पहले साल कैटेगरी वन को मिलेगा 16,000 और दूसरे साल मिलेगा 18,000। कैटेगरी टू को पहले साल स्टाइपेंड मिलेगा 10,500 और दूसरे साल 12,500। अब सिलेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न। कैटेगरी वन, रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड एंड विल कंप्राइज ऑफ 40 MCQ, 1 घंटे का पेपर होगा 60 मिनट्स का और 40 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 40 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद लिखा गया है द सिलेबस फॉर द सेट एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स एट डिप्लोमा / BSc।
यानी कि डिप्लोमा और बीएससी में जो आपने पढ़ाई की है वही आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद बोला गया है दोज कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, यानी कि कैटेगरी वन के लिए रिटन होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी है, रिटन प्लस इंटरव्यू। ये कैटेगरी वन की अभी बात चल रही है, कैटेगरी वन रिटन है और इंटरव्यू है। रिटन का क्राइटेरिया क्या है, 60 मिनट का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे और जो सिलेबस वही है जो आपने अपने कोर्स में पढ़ा है डिप्लोमा में या बीएससी में। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, एक अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो उसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। और नीचे देखिए एक चीज़ लिखी गई है, फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन इंटरव्यू, मतलब कि इंटरव्यू बहुत मायने रखता है। रिटर्न अगर आपका क्वालिफाई हो गया उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में चेक की जाएगी, एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स स्कोर, मतलब कि रिटर्न एग्ज़ाम में आपका जितना भी मार्क्स आता है उससे कोई मतलब नहीं है, मेन आपका देखा जाएगा इंटरव्यू में कैसी परफॉर्मेंस है, इंटरव्यू में चेक किया जाएगा। रिटर्न आपका बस क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी इंटरव्यू में। चलिए आगे बात कर लेते हैं कैटेगरी टू के लिए। कैटेगरी टू द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ टेस्ट इन 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होगा, आपका 50 क्वेश्चन होंगे एक घंटे में, 50 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी वही है, 3 नंबर आपको सही आंसर देने के लिए मिलेंगे और 1 नंबर आपका काटा जाएगा गलत आंसर देने के लिए। ऑल कैंडिडेट्स विद लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी एंड 30% इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट, मतलब कि आपका मिनिमम जो इसका क्राइटेरिया है वो आपको 40% आपको स्कोर करना ज़रूरी है, तभी आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे। ये जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूँ, अदर्स कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी आती है उनके लिए 30% है। इसके बाद स्टेज 2 आएगा, स्टेज 2 में है एडवांस टेस्ट। ऑल कैंडिडेट्स स्क्रीन इन स्टेज 1 विल बी अलाउड टू अंडरटेक स्टेज 2 एडवांस टेस्ट इन दियर रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जो आपने पढ़ाई की है, जो आपका स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा इसमें आपका जो भी आपने पढ़ाई की है, जो आपकी ट्रेड है उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, 50 क्वेश्चन होंगे आपके मल्टीपल चॉइस, लेकिन जो टाइम दिया गया है वो आपको दिया गया है 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है, 3 नंबर मिलेगा आपको सही क्वेश्चन के, सही आंसर के लिए, 1 आपका काट लिया जाएगा गलत आंसर के लिए। मेरिट लिस्ट ऑफ विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 अपॉन द स्कोर्स ऑब्टेंड इन स्टेज 2 ओनली, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट आपका जो प्रिपेयर किया जाएगा वो सिर्फ स्टेज 2 के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, स्टेज 2 में आपका कितना स्कोर आता है। ऑल कैंडिडेट्स विद लेस देन 30% इन जनरल कैटेगरी, लेस देन इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट, यानी कि जो एडवांस टेस्ट है इसको अगर आपको क्वालिफाई करना है तो जनरल कैटेगरी को मिनिमम 30% मार्क्स लाना जरूरी है, और अदर कैटेगरी अदर्स जो रिजर्व हैं उनको 20% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके बाद आता है आपका स्टेज 3, स्टेज 3 में होगा आपका स्किल टेस्ट बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2। अब देखिए मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी बनेगी स्टेज 2 से, मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी बनेगी स्टेज 2 से। स्टेज 1 में क्या है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स है हमारा 40%, इसका हमारा मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, इसका नंबर्स ऐड नहीं किए जाएंगे, काउंट नहीं किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो जो आपका टेक्निकल जो नॉलेज पूछा जाएगा उस पर बेस्ड, जो एडवांस टेस्ट है स्टेज 2 का उस पर बेस्ड होगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद दिया गया है ये स्किल टेस्ट होगा स्टेज 3 में। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं है, जो कैटेगरी 2 है यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इसके बाद आएगा स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गिवन ट्रेनिंग एट मुंबई इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रेलेवेंट डिसिप्लिन ट्रेड, ठीक है ये तो ट्रेनिंग का बता ही चुका हूँ, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग जो है आपका 2 साल का होगा। ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा अपॉन सक्सेसफुल ट्रेनिंग, ट्रेनीज विल बी कंसिडर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन इन द फॉलोइंग ग्रेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कैटेगरी 1 में आपको जो पोस्ट मिलेगा वो मिलेगा साइंटिफिक असिस्टेंट, और आपका जो ये लेवल है लेवल 7, सैलरी पे जो है ये आपका है ₹4490, ये एग्जैक्ट मंथली सैलरी नहीं है, ये एंट्री पे है, पे स्केल जो होता है वो हमारा डिसाइड होता है, उसमें HRA इंक्लूड होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डियरनेस अलाउंस होता है, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ये आपका मंथली सैलरी नहीं है, ये एंट्री पे है, सैलरी पे है, पे स्केल है,
वो जो भी उनका क्राइटेरिया होगा, जो भी सेवन पे कमीशन या जिस जो भी क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी होगा। कैटेगरी टू में टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन सी, यहाँ पर आपका एंट्री पे है 21,700, यहाँ पर है आपका 25,500। इसके बाद एडिशनल बेनिफिट्स हैं आपको जो मिलेंगे जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। प्रमोशंस हैं, प्रमोशंस टू हायर ग्रेड, हेल्थ केयर फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेम्बर्स, आपका और फैमिली मेम्बर्स को मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस रिलेटिव इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उसका अलग से इंसेंटिव मिलेगा। अट्रैक्टिव प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, प्रोफेशनल नॉलेज में आप अपडेट रहते हैं, आपका अच्छा खासा आपका जो है प्रोफेशनल नॉलेज है उसका अलग से, परफॉर्मेंस जैसा आप करेंगे उसका अलग से अलाउंस है। लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली ये भी दिया जाएगा। रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस ऑब्लिक डिपार्टमेंटल एकोमोडेशन, मतलब रहने के लिए भी ये सब गवर्नमेंट को आपको दिया जाएगा। इसके बाद बॉन्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखिए ये ध्यान से समझ लीजिएगा, बॉन्ड है यहाँ पर। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग एंड सर्व बार्क AERB और एनी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ DAE। इट ऑफर्ड अपॉइंटमेंट आफ्टर द ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन। अ ट्रेनी हु फेल्स टू कम्प्लीट द ट्रेनिंग और सर्व द गवर्नमेंट फॉर 3 ईयर्स इफ ऑफर अपॉइंटमेंट विल बी लाइबल टू पे, यानी कि 3 साल का आपका यहाँ पर बॉन्ड है, 3 ईयर्स से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर आप छोड़ते हैं तो जो भी आपका खर्चा है वो सब आपको पे करना पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये सब आपका जो ड्यूटीज़ है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, मतलब कि आपको वहाँ पर आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, वर्क प्रोफाइल क्या होगा आपका, ये सब यहाँ पर दिया गया है। आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से एक एक चीज़ देख लीजिए क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। ऐसे ही कैटेगरी टू के लिए भी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ दिया गया है, जॉब प्रोफाइल यहाँ पर भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या आपका जॉब प्रोफाइल होगा। ड्यूटीज़ विल इन्वॉल्व वर्किंग इन राउंड द क्लॉक ऑब्लिक जनरल शिफ्ट, मतलब कि जो आपका जॉब होगा ये 24/7 भी हो सकता है या फिर जनरल शिफ्ट हो सकता है। जनरल शिफ्ट जो हमारा होता है 9 से 5 या 9 से 6 या 10 से 6 जो भी होता है ये हो सकता है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको कैसे करना है। 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 20 अगस्त। आपको वेबसाइट पर जाना है recruit.barc.gov.in, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस दिया गया है, कैटेगरी वन के लिए है 150 रुपीज़, कैटेगरी टू के लिए है 100 रुपीज़। उसके बाद नीचे लिखा गया है फीस एग्जेम्प्टेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैटेगरी, यानी कि वुमेन कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई फीस नहीं है। अब यहाँ पर पूरी एक एक डिटेल दी गई है, क्या क्या है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद बात आती है लास्ट में, ये है हमारा चेकलिस्ट फॉर कैंडिडेट्स टू बी अटैच टू द एप्लीकेशन एंड सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, मतलब कि जो आप अपने साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अभी फिल करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फिल करेंगे, उसके बाद उसका आप प्रिंट लेंगे, तो एप्लीकेशन का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका जब आप प्रिंट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें अटैच करनी है और जो जो आपने अटैच कर दिया है उसके आगे इस बॉक्स में आपको क्रॉस करना है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है नोटिफिकेशन में दिया गया है, इसका प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट लेने के बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ लेके जानी है रिटन एग्ज़ाम के टाइम पर, या फिर और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली चीज़ क्या लेके जानी है, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप निकाल लेंगे। इसके बाद प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, ये भी आपके पास हो जाएगा। जो जो आपके पास है वो इस बॉक्स के अंदर आपको क्रॉस करना है। लिखा गया है पुट एक्स इन द बॉक्सेस एप्लीकेबल। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑब्लिक प्रूफ ऑफ एज, तो इसके लिए आप 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं, वो होगा उसका फोटोकॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी डिग्री डिप्लोमा जो कुछ भी है उसकी फोटोकॉपी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं और लगाना, कुछ कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आपके पास है एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं मांगा गया, अगर आपके पास आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप ITI 1 साल का है, फिर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो भी देना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई एप्लीकेबल है इसके लिए तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कुछ है एक्स्ट्रा है कि आपने कोई अलग से सर्टिफिकेट किया हुआ है, कोई कोर्स आप अगर चाहते हैं लगाना तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है।
और उसके बाद चेकलिस्ट अटैच्ड, ये जो आपका पूरा जो ये चेकलिस्ट दी गई है ये भी आपने अटैच करिए साथ में, इसको क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा और यहाँ डेट, ये अभी मत डेट डालिएगा, ये जब आपको रिटर्न एग्ज़ाम देने जाना होगा ये वहीं पर आपको वहाँ पर सामने एक एक चीज़ दिखानी होगी, जो इन्विजिलेटर होंगे वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होंगे और उसी दिन की आपको डेट डालनी होगी। सो ये है हमारा पूरा इसका क्राइटेरिया, पूरा सिनारियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अब शायद समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।